या किस तरह के चैप्टर में क्वेश्चन, चैप्टर हम कौन कौन से कवर कराने वाले हैं, तो ज़रा सा चैप्टर पे भी नज़र डाल लेंगे। तो हम जो चैप्टर कवर कराने वाले हैं, टैक्सोनॉमी है, एनिमल किंगडम है, एनिमल सेल है, क्रोमोसोम है, जीन्स जेनेटिक है, इनहेरिटेंस है, एवोल्यूशन है, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, और इसके अलावा और कौन है, इसके अलावा मसल्स, स्केलेटन, एंडोक्राइन सिस्टम, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, इकोसिस्टम, और मिसलेनियस है, फिर है वायरस है, और उसके बाद बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, और देख लेते हैं और हमें क्या बताना है, जिम्नोस्पर्म और पेलियोबॉटनी। इसके अलावा और भी हैं, तो और में क्या है, जैसे यहाँ 27 नंबर पे दिया है टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, 28 पे दिया हुआ एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, 29 पे दिया इकोनॉमिक बॉटनी, 30 पे दिया एम्ब्रियोलॉजी, 31 पे दिया साइटोलॉजी, 32 पे जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल बॉटनी, प्लांट पैथोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और मिसलेनियस। तो इतने चैप्टर हम आपके कवर कराएंगे, इनसे जो अभी तक जो आए गए हैं क्वेश्चन जो आए हैं वो चैप्टर वाइज सॉल्व कराएंगे। हम आपको बता देंगे कि ये चैप्टर चल रहा है, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा आपके लिए अचीव होगा, आपके लिए बहुत बड़ी तैयारी होगी। तो शुरू करेंगे अभी आज अपना आज का वीडियो। तो हम आज पहले तो ये भी हम आपको बता दें कि जो बायोलॉजी के हैं चैप्टर वाइज हैं और बाई लैंग्वेज में हैं, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं। तो जो हमारे मित्र इंग्लिश हिंदी की समस्या से परेशान थे कि सर इंग्लिश में बता रहे हैं हिंदी में नहीं बता रहे हैं, या हिंदी में बता रहे हैं तो इंग्लिश में नहीं बता रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो अभी हम आज ये फर्स्ट पार्ट लेकर चल रहे हैं चैप्टर वाइज का। तो फर्स्ट पार्ट का टैक्सोनॉमी लेकर चल रहे हैं, क्या चल रहा है, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में अभी हम जो बात करेंगे वो एनिमल टैक्सोनॉमी की बात करेंगे, यानी एनिमल क्लासिफिकेशन से अभी तक पूछे गए क्वेश्चंस। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन द प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन, पाँच जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है किसमें, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई और एनिमेलिया, किसमें रखा गया है, आप फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ए सही होगा, प्रोटिस्टा में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू विच किंगडम। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा किस किंगडम को बिलोंग करता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, किसको बिलोंग करता है, आप आंसर दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, तो वो मोनेरा है, यानी माइकोप्लाज्मा जो है वो मोनेरा को बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल इन विच माउथ डेवलपमेंट अपोजिट टू ब्लास्टोपोर आर कॉल्ड। तो एनिमल इन विच माउथ डेवलप अपोजिट टू द ब्लास्टोपोर आर कॉल्ड, ऐसे जंतु जिनका मुख ब्लास्टोपोर के अपोजिट यानी विपरीत विकसित होता है उनको क्या बोलते हैं, प्रोटोस्टोमिया, पैरोजोवा, ड्यूटेरोस्टोमिया या प्रोटिस्टा, तो इनको क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं सी, ड्यूटेरोस्टोमिया के नाम से इनको हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाय, इसमें द्वि नाम पद्धति किसने दी थी, तो आप सब खूब जानते हैं किसने दी थी, लीनियस ने द्वि नाम पद्धति दी थी, ऑप्शन इसका सी सही होगा। और लीनियस ने ट्राइनोमेनक्लेचर भी दिया था, त्रि नाम पद्धति भी लीनियस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हार्बीबोरस सी मैमल्स बिलोंग टू द ऑर्डर। तो जो हार्बीबोरस सी, हार्बीबोरस का मतलब होता है जो शाकाहारी
समुद्री जो मैमल्स हैं वो किस ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, तो वो बिलोंग करते हैं ऑर्डर थर्ड को। किसको बिलोंग करते हैं? ऑर्डर थर्ड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इनमें से बायोलॉजी शब्द किसने इंट्रोड्यूस कराया था? बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, किसने इंट्रोड्यूस कराया था बताएगा हमें। तो लैमार्क और ट्रेवेलनस नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। तो ये चूंकि हमारा जो भी टैक्सोनॉमी चल रहा है, एनिमल टैक्सोनॉमी, उसके प्रश्न हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। द कॉमन यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन कट रहा है, जीनस फैमिली स्पीसीज ऑर्डर वैरायटी देयर करेक्ट सीक्वेंस स्टार्टिंग द स्मॉलेस्ट इज, तो स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेंगे तो पहले आएगा स्पीसीज, फिर आएगा, अगर सबसे छोटी से लेकर चलेंगे तो पहले स्पीसीज, फिर जीनस, फिर आएगा आपका फैमिली, फिर ऑर्डर, नहीं पहले वैरायटी, फिर स्पीसीज, फिर फैमिली, इस तरह क्रम में आएगा। तो इसका जो क्रम सही होगा वो ए सही होगा। तो ए क्रम में क्या दिया हुआ है, तो ए क्रम में देख भी लेते हैं, अगर ए का हिसाब देंगे, थर्ड पहले आएगा ये स्पीसीज, फिर आएगा फर्स्ट अर्थात जीनस, फिर आएगा सेकेंड मीन्स फैमिली, फिर आएगा ऑर्डर और सबसे लास्ट में आएगा वैरायटी। तो ये इनका सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटेरो स्पोंजिया बिलोंग टू द सब क्लास, तो जो प्रोटेरो स्पोरेंजिया होती है वो बिलोंग करती है सब क्लास को, कौन से सब क्लास को बिलोंग करती है? फाइटोमैस्टिगोफोरिया, जूमैस्टिगोफोरिया, या तो वो बिलोंग करती है जूमैस्टिगोफोरिया को। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल साइंस द पर्सन हु फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉसिल एज एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन वाज, तो इनमें से वो कौन से साइंटिस्ट थे, तो आप बताएगा इनको, लियोनार्डो डा विंसी, जॉर्ज क्यूवियर, डार्विन और लैमार्क। तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा जॉर्ज क्यूवियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा इनके सन भी पूछ देते हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा, दो चार बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। आइडेंटिफाई द ग्रुप इन द फॉलोइंग हैविंग ऑल एनिमल्स बिलोंग टू द सेम क्लास, इनमें से वो कौन है जो सेम क्लास में बिलोंग करते हैं? डॉग फिश, सिल्वर फिश, क्रे फिश, फ्लैसिस, ग्लोवर्म, सिल्कवर्म, हाउस फ्लाई और बर्ड बर्ड। तो इसमें जो सब बिलोंग करते हैं वो है ऑप्शन बी का, ये सारे इंसेक्ट के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। एप्लेसिया बिलोंग टू द क्लास, जो एप्लेसिया है वो किस क्लास को बिलोंग करता है, तो आप बताइएगा एप्लेसिया किस क्लास को बिलोंग करता है? तो एप्लेसिया जो है वो बिलोंग करता है आपका गैस्ट्रोपोडा को। किसको बिलोंग करता है? गैस्ट्रोपोडा को बिलोंग करता है।